والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. ॐ भर्गवः स्वाहा तत्सवितु वरुणियं भर्गो देवस्य धीमाहि धियो यो न प्रचोदयते. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अग्निमील पुरोहितं यजनस्य दिवं मृत्योचं होतरं नतन्धातमम्. अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तारीफ और तौसीफ जिसने हम सबको दीनी मजलिस में इकट्ठा होने की तौफीक इनायत बख्शी. सबसे पहले मेरा काम इस इलाके में आकर अपना परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना. उसी चीज से हम अल्लाह ताला को कुरान की आयत और हदीस और वेद इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए हम अल्लाह ताला का परिचय है, इंट्रोडक्शन, तारीफ, तारुफ पेश करेंगे. जैसे हम सबसे पहले जब बंगाल घुसेंगे तो मेरी ये जिम्मेदारी है और आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप हमसे पूछें कि आप कहाँ से आए और मैं आपके सामने जवाब दे सकूं कि हम कहाँ से आए. सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये है कि हम आपको बताएं कि हम किस इलाके से आए हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई अजनबी आदमी आपके घर में आ जाए, आपके इलाके में घुस जाए, तो सबसे पहले आप उनका तारुफ पूछें, उनका परिचय पूछें, उनका परिभाषा पूछें. क्या ये फला आदमी आप किस इलाके से आए हैं, ये सबसे पहले आपका और हमारा काम बनता, हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है, हमारी ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है. इसलिए कि मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई चोर आपके घर में घुस जाए, कोई डाकू आपके इलाके में आ जाए और आप उससे उनका इंट्रोडक्शन ना पूछे, उनसे उनका तारुफ ना पूछे, हो सकता है आपने उसको अपने घर में जगह दी, आपने उसको अपने इलाके में जगह दी, रात भर आपके घर में रहा, लेकिन सुबह का सूरज उठने से पहले पहले आपका घर का तमाम सामान चुरा कर लेके गए. हो सकता है कि सुबह का सूरज उठने से पहले आपके घर में किसी आदमी को कत्ल कर दे. इसलिए जरूरी है कि आपके गांव में, आपके इलाके में कौन आया है, सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे उनका तारीफ पूछे, आप उनसे उनका तारुफ पूछे, आप उनसे पूछे क्या आदमी तुम किस इलाके से आए हो. इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हमारा खालिक और मालिक है. सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्लाह ताला कौन है, सबसे पहले हम जानेंगे अल्लाह ताला कितने परिवार से है. जिस तरह मैं अपने 5 भाई से हूँ, मेरा चचा 8 है, इस तरह हम ये जानेंगे क्या अल्लाह का हकीकी में कोई बाप है, क्या अल्लाह का हकीकी में कोई बाप है ना बेटा है. इस चीज को सबसे पहले हम जानेंगे और मंत्रों के जरिए जानेंगे, हदीस और कुरान के जरिए जानेंगे. सबसे पहला मंत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये को ही द्वितीय नास्त, वो ईश्वर ऐसा होगा जो एक ही होंगे. एकम ब्रह्मादित्यो नास्ति हिनायास्ति नास्ति नास्ति किंचन, वो ईश्वर और ब्रह्मा एक ही होंगे, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं. आइए कुरान की वो आयत पढ़ते हैं, सूरह इखलास की वो आयत पढ़ते हैं. अल्लाह ताला परशुराम जिब्रील को भेजता है, वो जिब्रील जाओ और मेरे हबीब मोहम्मद को ये ऐलान कर दो, ये पैगाम दे दो कि वो अपनी उम्मतियों को ऐलान कर दे भरे मजमे में, सहाबा से मुखातब होकर कह दे, आए लोगों जो अल्लाह पर ये शक करते हो कि अल्लाह का भी कोई बेटा है, अल्लाह का भी कोई बाप है, नहीं, वो अल्लाह तो ओम निराकारम, वो निराकार है, वो अल्लाह तो एक है. कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, उसका ना कोई बाप है ना बेटा है. मेरे प्यारे साथियों, कुरान आया और इस चीज को जो शक और उलझन में लोग पड़े हुए थे, कुरान ने इस चीज की वजाहत कर दी. कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके अंदर तमाम इसका
आपका जवाब और हल मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, अब दुनिया के अंदर कोई भी मजहब का मुजाहरा कर लीजिए, दुनिया के अंदर किसी भी मजहब के मानने वाले से पूछ लीजिए, तुम्हारे अंदर कितने भगवान हैं, तुम्हारे धर्म के अंदर कितने देवी देवता है। कोई अगर कह भी दे 33 कोटि देवी देवता, कोई अगर ये भी कह दे कि 33 करोड़ देवी देवता, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कि 33 करोड़ देवी देवता का नाम बताओ, वो कह नहीं सकेंगे। लेकिन मुसलमान का एक बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, आप भरे मजमे से खड़ा कीजिए, हमारी माँ बहनों से पूछिए कि तुम्हारा खुदा कितना है, कहेगा एक है, और कौन है तो कहेगा अल्लाह ताला है। इस चीज को अगर कोई किताब शक को उलझन को दूर करने वाली है तो किताब कुरान करीम है, जो कुरान करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ, और इन तमाम इश्कालात का जवाब उसके अंदर हल बतला दिए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के बारे में कहने वालों के अल्लाह कितने हैं, वो अल्लाह एक है। आप ईसाई से पूछ लीजिए, आप जीसस मसीह ईसा के मानने वाले से पूछ लीजिए कि तुम कितने खुदा को मानते हैं, वो कहेंगे हम 3 खुदा को मानते हैं। फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं, जो अल्लाह ताला है वही ईसा अलैहि सलाम है, जो अल्लाह ताला है वही मरियम है। कभी कभी बताएंगे 3 खुदा एक ही है, कभी बताएंगे 3 खुदा अलग अलग है, लेकिन शक उलझन उसके अंदर भी है, उसके मजहब के अंदर भी है, कोई ये क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुरान आया और इस चीज की शक उलझन को हमसे दूर कर दिए और बताया है, लोगों जो अल्लाह को 3 मानते हो और ये कहते हो कि अल्लाह ही ईसा है, ये कहते हो कि अल्लाह ही मरियम है, वला तकूनु सलास, तुम अल्लाह को 3 ना मानो, बल्कि अल्लाह एक है और मरियम अल्लाह की बांदी है, और ईसा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का रसूल है। लेकिन ईसाई कहते हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, मरियम अल्लाह की बीवी है। आओ मैं मंत्रों से ये साबित करता हूँ, अल्लाह ताला की ना कोई बीवी है, ना अल्लाह ताला का कोई बेटा है, ना अल्लाह ताला का कोई बाप है, ना कास ये कसकीजा जनीता ना कदीफा। वो ईश्वर ऐसे होंगे, उनकी सिफात ये होंगी कि दुनिया के अंदर किसी माँ ने उसको पैदा नहीं किया है। आप अपने बेटे को जन्म देते हैं, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, बाप अपने बेटे को जन्म देता है, लेकिन अल्लाह ताला किसी माँ से पैदा नहीं हुआ है और ना ही उसके बदन से कोई लड़का पैदा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान आया और इस चीज की वजाहत और कर दी कि लम यलिद व लम यूलद, ऐ लोगों अल्लाह किसी का बेटा नहीं है और ना ही उसका कोई बेटा है। ये मंत्र हमें और आपको ये पैगाम और ये सबक देता है, ईश्वर को बहुत ज्यादा तादाद में बयान करने वाले, कभी 33 करोड़ देवी देवता कहने वाले, कभी सूरज को अल्लाह कहने वाले, कभी चांद की पूजा को पाठ करने वाले, कभी दरख्तों और पेड़ पौधों को इबादत, पेड़ पौधों को मानने वाले। वो ईश्वर जिनको दुनिया के अंदर किसी ने जाना ही नहीं, वो ईश्वर जिनका कोई बेटा है ही नहीं, न कासे कसकीजा जनीता न कदीफा, वो ईश्वर जिसको दुनिया के अंदर किसी ने पैदा ही नहीं किया है, किसी ने पैदा ही नहीं किया है। इस्लाम के अंदर 4 किस्म से लड़के इंसान का जन्म होता है, लेकिन उस ईश्वर की सिफात यह होगी कि दुनिया के अंदर किसी माँ ने उसको पैदा नहीं किया है, उसका ना कोई बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके अंदर भी इश्कालात है, हम तो 4 भाई बहन से हैं, हम 5 भाई बहन से हैं, तो क्या अल्लाह का कोई भी भाई वगैरह होगा? नऊज़बिल्लाह, अल्लाह का कोई ना भाई है ना उसका कोई बेटा है। बहुत लोग मुसलमान में भी ये सोचते हैं कि ये अल्लाह है, हमारे पास एक ही कमीज आ रही है, एक ही कुर्ता आ रहा है। अगर 2 अल्लाह होता तो जाहिर सी बात है 2 कुर्ता होते, 2 अल्लाह होता ज्यादा हमें और खिलाता, हम ज्यादा और खा पाते। लेकिन एक बात सुनिए, अगर बंगाल वाले ये चाहे कि आज हमारे यहाँ बारिश हो, फिर यूपी वाला कहे नहीं अल्लाह हमारे आज यहाँ धूप हो, एक अल्लाह कहता नहीं, बंगाल वाले की बात सुनूंगा। बंगाल वाले भरे मजमे में बैठे हुए दुआ कर रहे हैं, फिर दूसरा अल्लाह कहता नहीं ना हम यूपी वाले की बात सुनेंगे। दोनों अल्लाह के दरमियान लड़ाई होती, दोनों अल्लाह के दरमियान झगड़ा होता। इसलिए ये शक उलझन, बिल्कुल इस शक उलझन में आप मुब्तला ना हो और इस शक उलझन में ना पड़े और क्लियर ये जवाब दे, 33 कोटि देवी देवता को मानने वालों को, 33 करोड़ देवी देवता के मानने वालों को, आए लोगों जिस अल्लाह के बारे में, जिस खुदा के बारे में ये कहते हो कि 33 कोटि है, 33 करोड़ देवी देवता है,
ये मंत्र से यही साबित होता है कि वो अल्लाह जिसको दुनिया के अंदर किसी ने पैदा नहीं किया। राम कितना बड़ा भगवान है लेकिन राम को भी पैदा करने वाला श्री राजा दशरथ जी है। राम के पिता का नाम राजा दशरथ जी है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो सीता है, ये सीता बड़ी पाक दामन औरत है उनके कहने के मुताबिक, लेकिन सीता जी का शादी का जिक्र मिलता है, सीता जी का विवाह का जिक्र मिलता है, लेकिन अल्लाह ताला बिल्कुल निराकार है, अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं, अल्लाह की कोई ना तस्वीर है ना कोई मूर्ति है। इसलिए हम मुसलमानों जब मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो हमारे सामने अल्लाह की कोई फोटो नहीं होती है, हमारे सामने अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं होती है। लेकिन आप देखिए, गैर मजहब को देखिए, अपने सामने किसी चीज को पुतला बनाकर, अपने सामने किसी चीज की तस्वीर रखकर इबादत करते हैं। इस चीज को इस मंत्र ने साबित कर दिया, न तस्य प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसा होगा जिनकी कोई ना फोटो होंगी, जिनकी ना कोई मूर्ति होंगी। आज देख लीजिए कितनी मूर्तियों की इबादत होती है, कितनी मूर्तियों को अपने सामने रखकर इबादत की जाती है। मेरे प्यारे साथियों, वो अल्लाह ऐसा है जिनकी कोई शक्ल सूरत है, जिनकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह का चेहरा का जिक्र मिलता है, हाथ का जिक्र मिलता है, लेकिन कैसा है ये नहीं कह सकते हैं। लैस कमिस्लिही शैउन, अल्लाह ताला की शक्ल सूरत कैसी हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोग वसीला पकड़ते हैं, अल्लाह जैसी शक्ल बनाकर, मूर्ति बनाकर अपने सामने रखकर इबादत करते हैं। अंधात्मा परिवी शांति या संभूति उपस्थे, जो अल्लाह ताला को छोड़कर प्राकृतिक चीजों को पूजता है, प्राकृतिक चीज चांद सूरज जो भी अल्लाह के बनाई हुई चीज है, कुदरती चीज, वेद का मंत्र ये कह रहा है कि अंधात्मा पर भी शांति या संभूति मुपस्थे, अल्लाह को छोड़कर चांद की जो इबादत करता है, अल्लाह को छोड़कर चांद के सामने जो सजदा करता है, सूरज के सामने सजदा करता है, आए लोगों, सरासरो जहन्नम में है, सरासरो खतरे में है। इसी चीज को तो कुरान ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलयुक्बल मिनहु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आए इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वाले, आए वसीम रिजवी जैसे मलून इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करने वाले, दुनिया के अंदर किसी भी पाताल के अंदर, दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में जाकर अगर कोई मजहब इख्तियार करेंगे तो हमेशा खसारे में रहोगे, आखिरत में नुकसान उठाने वाले में से हो जाओगे। ये मंत्र तो ही कहता है, अंधात्मा पर भी शांति या संभूति उपस्थे, ईश्वर को छोड़कर चांद की इबादत करने वाला, ईश्वर को छोड़कर सूरज की इबादत करने वाला, सरासर खाई में, सरासर नुकसान में, सरासर गुनहगार में, सरासर जहन्नम